हेलो गाइस, और आप लोगों को चलिए लेकर चलता हूँ गांव में। और गांव में सांप निकला है और इसको रेस्क्यू टीम वाले आए हैं पकड़ने के लिए। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे। हम लोग यहाँ गांव में अगर सांप वो दिख जाता है तो हम लोग मारते नहीं हैं, और उसको रेस्क्यू टीम को बुलाकर हम लोग उसको पकड़वा कर कहीं छुड़वा देते हैं जंगल में। और आप भी अगर कहीं आप लोगों को भी सांप दिखाई दे तो उसे मारिए मत, और जो पकड़ने वाले हैं उसको बुलाइए और उसको सेफली पकड़ कर कहीं उसको रिलीज करवा दीजिए। और देखते हैं कैसे यहाँ पे पकड़ते हैं लोग गांव में भी आकर। तो भाई देखिए, यहाँ पे लकड़ी के नीचे है और यहाँ पे देखिए लकड़ी हटाकर खोज रहे हैं। और देखिए मिट्टी के चूल के पास से जा रहा है वहाँ पे सांप। और यहाँ पे देखिए, अरे यहाँ, अरे गजब इतना खतरनाक है। देखिए इसको, कृपया आप लोग पकड़ने की कोशिश ना करें, और ये एक्सपर्ट हैं कीड़ा पकड़ने में, इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे गांव में इसको गेहूँन कहते हैं, और इसी सांप को लोग अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जानते हैं। तो गाइस देखिए, बहुत मुश्किल के बाद सांप को पकड़ लिए हैं, और ये सांप बहुत ही जहरीला होता है, और यदि किसी को काट लेता है तो आप लोग इसे झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें, और जल्द से जल्द इलाज कराने के चक्कर में पड़ें, अन्यथा आप लोगों की जान जा सकती है। देखिए बहुत ही खतरनाक है, इसे गेहूँन के नाम से हम लोग जानते हैं, और अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। गाइस बहुत ही खतरनाक सांप है, बहुत मुश्किलों के बाद पकड़ा गया है। देखिए कितना तगड़ा बाइट कर रहा है, एक बार अगर आदमी काट ले तो तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो सकती है इसकी। तो गाइस देखें, यहाँ पे अब इसको डिब्बा में पैक कर रहे हैं, और पैक करने के बाद इसमें इसको कहीं जंगल में ले जाकर रिलीज कर देंगे, या कहीं खुली जगह होगी तो वहाँ पे ले जाकर रिलीज कर देंगे। और यदि आप लोग कहीं सांप देखते हैं तो उसे मारें ना, और ये खुद बहुत इंसानों से बहुत डरते हैं कि इंसान ना पड़े सामने। और कहीं से बेचारा भटक कर चला आया था, तो आप लोग को भी कहीं अगर दिखे सांप तो उसे मारें ना, और रेस्क्यू टीम को बुलाकर उसे पकड़वा कर कहीं रिलीज करवा दें। तो गाइस चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।